हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। और मैं हूँ अंशिता और शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और टाइम हो रहा है लगभग 8 बज चुका है और हम यहाँ पर, आप देख लोगे कि घर कुछ अलग अलग सा है। जी हाँ बिल्कुल। और मैं हूँ अपनी फ्रेंड के घर, यानी कि मैं हूँ वेदू और कौरी की बड़ी मामा के घर पर। और यहाँ पर नूर पढ़ाई कर रही है और ये कौरी। और आज वेदांत क्या कर रहा है, अपनी बड़ी मामा को बर्गर सिखा रहा है। तो वो किचन में कर रहा है भाभी के साथ बर्गर की प्रिपरेशन। तो यहाँ पे पोटैटो बॉईल हो रहे हैं और ये दोनों पता नहीं कौन सा डिस्कशन कर रहे हैं, क्या क्या चल रहा है इनका किचन में। दोनों जने कर रहे हैं तैयारी और मैं आपको बताती रहूँगी ये लोग क्या कर रहे हैं। और वेदांत बनाने वाला है बर्गर और सिखाएगा वो अपनी बड़ी मम्मा को कि बर्गर कैसे बनना है। और ये गौरी यहाँ बन गई है नूर टीचर और नूर दीदी बन गई है इसकी स्टूडेंट, है ना। और मैं एकदम फ्री हूँ, आराम से ब्लॉग बनाने वाली हूँ। थोड़ा बहुत हेल्प कर दूँगी इन लोग की, बाकी ये लोग ही करेंगे। तो चलिए चलते हैं किचन के अंदर। तो गाइस देखिए इंडियंस का जगह मस्त है, एकदम मस्त। हम लोगों ने हर एक चीज़ हमारे पास अभी पीस थे और कुछ मटर गोभी। मटर को पीस बोलते हैं? हाँ मतलब मैंने कर दिया देसी जुगाड़, एक कढ़ाई लिए उसके ऊपर ले लिया है। मैंने नहीं, आंटी ने। हाँ आंटी ने कर लिया, तेरी बड़ी मम्मा ने कर दिया। ये हो गया है पीस, कॉर्नस, बीन्स और कॉलीफ्लावर, इन सबको करना है स्टीम। और अब हम इसको कर देते हैं ढक्कन से। ये बड़ा है भाई, बड़ा है भाभी, बड़ा है ये, थोड़ा सा छोटा। यहाँ पे हम कर रहे हैं फ्रेंच फ्राइज की तैयारी चल रही है फिलहाल तो। और वहाँ पे वो दोनों खेल रहे हैं। आज किचन पूरा वेदांत ने संभाल रखा है और हम दोनों जने असिस्टेंट हो रहे हैं, वेदांत के हेल्पर हो रहे हैं। तो चलिए ये तो अपने किचन में जोर शोर से तैयारियाँ चल रही है। टिक्की बन चुकी है अपने बर्गर की, जो वेदांत और भाभी ने करिए, मैंने तो आराम किया है। और यहाँ पे खाली टिक्की और ये पता नहीं क्या है, ये ब्रेड क्रम्स है और ये अपना आलू का मसाला और ये बर्गर का सॉस जो रेडी हो चुका है। और ये दोनों पूरी तरीके से जद्दोजहद के साथ मेहनत कर रहे हैं बर्गर बनाने में। और लेट्स सी कैसा बनता है बर्गर, फाइनली तैयार हो रहा है बर्गर अब। ये वेदांत जी क्या कर रहे हैं अब यहाँ पर, यहाँ पे घी लग रहा है और घी के ऊपर सिकेगा बन जिसके ऊपर लगेगी आलू की टिक्की। और वाह खुशबू तो बढ़िया आ रही है भाई, टिक्की की आ रही है भाभी खुशबू अच्छी वाली। अरे अपना मैकडॉनल्ड, अरे अपने पास तो वो भी थी ना फ्रेंच फ्राइज, मैकडॉनल्ड फेल होने वाला है। अरे आराम से, और ये वेट कर रही है नूर की कब मुझे खाने को मिलेगा, जल्दी से खिलाओ यार बच्चों को। यहाँ एग्ज़ाम हो रहा है, वेदांत दे रहा है बड़ी मम्मा का एग्ज़ाम और बोल रहा है आज आपका टेस्ट हो जाए। तो वेदांत टेस्ट दे रहा है बड़ी मम्मा का कि भाई कैसे बनाओगी। उसकी कुछ टिक्की बची हुई है जिनको अभी तवे पे डाला नहीं है, तो वेदांत को भाभी पूछ रहे हैं कि मेरा अब मैं डालूँ या तू डालेगा। तो बोलती नहीं मम्मा आप ही डालो, आपका टेस्ट हो गया इसलिए। तो मम्मा टेस्ट दे रही है फिलहाल तो देखो टेस्ट में पास हो गई वेदू या नहीं हुई। विदान बताओ भाई बड़ी मम्मा टेस्ट में पास हो गई क्या? ओके डन, एग्जाम क्लियर, 100 on 100। पीएससी का एग्जाम बन चुका है बड़ी मम्मा का बर्गर। बाकी बताओ कितना बड़ा मुंह लो गई, तेरे कैसा बना है मेरू, सही से बनाया तूने या नहीं बनाया? आंटी से पता चलेगा। ओके भाभी कैसा बना है? अरे अरे फीलिंग आ रही है, बढ़िया बढ़िया फीलिंग आ रही है भाई, मजा आ गया, चलो फिर हम लोग भी खाते हैं। कैसे बनाया नूर? बढ़िया। गौरी कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं बनाया ना वीदू भाई ने? ये क्या कर रही हो बेटा, खाने दो भाई दीदी को अच्छे से। रात का बज चुका है 10:30 और इसी के साथ हम तीनों जने घर आ चुके हैं और मज़ा आया। बहुत टाइम बाद भाभी के पास गए थे, खाया पिया मज़े किए, खूब मज़ा आया। बीच में उसके हम गए थे अदिति भाभी से भी मिलने,
तो वो भी हमारी फ्रेंड है, तो आप लोग को ज़रूर मिलाएंगे उनकी, जब तबीयत ठीक हो जाएगी तो ज़रूर से मिलाएंगे। और फिलहाल तो बहुत मज़ा आया, और गौरी ने आइसक्रीम पूरे अपने ड्रेस पे कर दी है, पूरे हाथ इसके स्टिकी स्टिकी हो गए। इसने कौन सी आइसक्रीम खाई थी गौरी? रेसबेरी वाली, जिसका कलर कौन सा होता है? पिंक कलर का। और गौरी की हर चीज़ फेवरेट है पिंक, तो इसलिए वो पिंक आइसक्रीम भी खाती है। तो होपफुली जो आज का व्लॉग है आप लोग को अच्छा लगा होगा। विधान का बर्गर जो वो अपनी बड़ी मामा को सिखा के आया है, सबको बहुत ही अच्छा लगा, इसके बड़े पापा को, इसकी बड़ी मामा को, दोनों को बहुत ही डिलीशियस लगा बर्गर। और इसके बाद भाई लोग थे नहीं, उन्होंने खाया नहीं, वो लोग आएंगे तब खाएंगे, तब पता चलेगा। और नूर को भी बहुत अच्छा लगा था, ओवरऑल सबको बहुत ही अच्छा लगा बर्गर। और चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से बाद में नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।